स्वागत है आप लोगों का हमारी नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्स करने वाले अपना E88 Pro ड्रोन। पिछली बार मैंने E88 ड्रोन अनबॉक्स किया था, इस बार मेरे पास E88 Pro ड्रोन है। एंड इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फोल्डिंग डिजाइन, कूल एलईडी लाइट्स, बड़ी बैटरी, डबल कैमरा, गेस्चर मोड, कैस्चर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आप लोग ऐसे हाथ दिखाओगे ऑटोमेटिक पिक्चर क्लिक कर देगा। फोटो एंड वीडियो ऑप्शन भी आपको इसके देखने को मिल जाता है जो कि काफी सही चीज है। एंड ये वाला गाइस ड्रोन जो है मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज करा है 3000 रुपए में। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के आप लोग डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। हम लोग इसके बॉक्स पे थोड़ा नजर और डाल दे। यहाँ पर आपको ये दो कलर मिल जाता है, ब्लैक एंड ग्रे। मेरे पास ब्लैक वाला है, ठीक है, और कुछ इसमें खास नहीं है। तो हम लोग गाइस क्या करते हैं, फटाफट इसे करते हैं अनबॉक्स और बढ़ते हैं आगे। बैग मिल जाता है, इससे हम लोग फटाफट खोल लेते हैं। बैग खोलते कुछ इस तरीके से कुछ चीजें मिल जाती है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ऐप पिक मिल जाता है RCFPV करके, ठीक है, जिससे आप लोग अपने ड्रोन के कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो। एक यूजर मैनुअल आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसमें दिया गया कौन सी बटन किस काम की है। तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज मिल जाती है, जैसे कि लैंडिंग गियर और चार्जिंग केबल, एक स्क्रू ड्राइवर और कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, क्योंकि अगर ये प्रोपेलर टूट जाते हैं तो वो काम में आएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाती है एक बैटरी जिससे आप लोग आराम से अपने इस ड्रोन को फ्लाई कर पाओगे। और यहाँ से ये जो बैटरी है वो चार्ज होगी, कैसे लगाना है सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड उसके बाद आपको मिल जाता है ये एक रिमोट, क्योंकि काफी ज्यादा छोटा और प्यारा सा रिमोट है। सेम जैसे आपके K3 या फिर E99 ड्रोन का सेम वैसे आपको रिमोट मिल जाता है। रिमोट के फीचर्स की बात करें तो इससे आप लोग स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, इससे आप लोग फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग इसे दबाओगे लेफ्ट राइट जिधर भी करोगे उधर फ्लिप हो जाएगा। और ये आपके 1 2 3 4 ये ट्यूनिंग बटन है, और ये राइट, ठीक है, और ये अपवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्यूनिंग बटन। और ये जो आपकी ये वाली जो बटन है इससे आप लोग अपने ड्रोन को टेक ऑफ कर सकते हो, इसे लैंड कर सकते हो, इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। और लेफ्ट थ्रोटल से आप लोग अपने ड्रोन को ऊपर नीचे मतलब हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो, और राइट वाले थ्रोटल से आप लोग अपने ड्रोन के डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आपको लेफ्ट लेके जाना है, राइट लेके जाना है, अपवर्ड बैकवर्ड जिधर भी आपको ले जाना है वो चीज़ आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। हमें अपना ड्रोन के अंदर आपको एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है, जैसे कि एक तो बैटरी आपको यही मिल जाती है, दूसरी आपको एक लगी बैटरी और मिल जाती है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि हम इसे यूज़ करके दिखा सकें। और ये जो फोल्डेबल ड्रोन है तो हम इसे फटाफट पहले अनफोल्ड करते हैं और फिर मैं आपको फीचर्स दिखाऊंगा। ड्रोन में आपको ऊपर की साइड सबसे ज़्यादा बटन मिल जाता है जिससे आप लोग अपने ड्रोन को ऑन कर सकते हो, इसे प्रेस करना आपको 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको एक आगे की साइड कैमरा मिल जाता है जिससे आप लोग आराम से अपनी ड्रोन से जो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो, पिक्चर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है पीछे की साइड या एंटीना, ठीक है, जिससे आप लोगों की जो ड्रोन की रेंज है वो बढ़ जाएगी। और पीछे की साइड कुछ ये बस डिज़ाइन मिल जाता है, अंदर LED लाइट्स मिल जाती है और कुछ बाहर भी। और बाकी और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की है इसकी, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आई थिंक 150 या 100 ग्राम के आसपास का होगा ये ड्रोन। बाकी बिल्ड क्वालिटी यार मतलब एवरेज है, ठीक है, क्योंकि 3000 रुपये का ड्रोन है, 3000 रुपये में भाई क्या ही आता है, ठीक है, अगर आप लोग एक ड्रोन के परस्पेक्टिव से देखो तो, ठीक है। आपको आगे बताता हूँ आपको इसे कंट्रोल कैसे करना है, कैमरे को कैसे कनेक्ट करना है, वो सब कैसे करना है। पेयर करने के लिए आपको सबसे पहले आपको इसके अंदर बैटरीज लगानी है। बैटरी लगाने में कुछ इस तरीके से आवाज़ आएगी, ठीक है। एंड हम लोग इसे करते हैं बंद, उसके बाद इसे करते हैं ओपन, और जस्ट आपको थ्रोटल को ऊपर करना है, ड्रोन आपका रेडी टू फ्लाई है। एंड इसे नीचे करोगे ड्रोन आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर करोगे फिर से ऊपर चला जाएगा, रेडी टू फ्लाई। या फिर आप लोग डायरेक्टली इस वाली बटन को दबा के भी टेक ऑफ कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और इस वाली बटन को दबा के नीचे ला सकते हो, नीचे आ गया, ठीक है। ये बताता हूँ आपको ड्रोन के कैमरे को कनेक्ट कैसे करना अपने फोन से। उसके लिए गाइस आपको अपने प्ले स्टोर से आपको RCFPV करके जो ऐप है इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम सर्च करना है, या फिर आपको अपने जो ड्रोन का जो आपको यूजर मैनुअल मिला उस पर मिल जाएगा। बाकी आपको फिर इसे ओपन कर देना है, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लोगो आएगा एंड देन आपका ये जो ऐप ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू टू ऐप करते हैं हम लोग एंड कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इसका वाईफाई ऑन करना है फ़ोन का, और ड्रोन के वाईफाई से कनेक्ट करना है। ड्रोन का वाईफाई आ जाएगा कुछ ऐसे नामों से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो चुका है कनेक्ट, एंड देन आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल लाइव वीडियो यहाँ पर आपको मिल रही है। सो देख सकते हो आप लोग सभी चीज़ों की, जैसे कि ये है हमारा रिमोट और ये कुछ चीज़ें मेरे घर के अंदर, तो सब कुछ आपको यहाँ पर ईजिली दिख रहा है, ठीक है, देखा, ठीक है, या वीडियो बनाने का, फोटो क्लिक करने का और चीज़ें दबाते हो तो इस तरीके से आपकी जो वीडियो स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको अपनी वीडियोस फोटोज देखनी है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। पहले हम इसे ऑफ करते हैं एंड देन ये आपकी जो गैलरी है खुल जाएगी जहाँ पर जो फोटो वीडियोस हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, और भी चीज़ें इसके अंदर जो कि आप लोग बाकी खुद से ट्राई करना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और हम लोग इसे करते हैं साइड में और गाइस चलते फटाफट बाहर एंड करते इसे फ्लाई और हमें आगे जाके ज़्यादा कुछ पता चलेगा क्योंकि जब वो इसे फ्लाई करेंगे तब पता चलेगा कितना ज़्यादा स्टेबली उड़ता है और कितनी ज़्यादा बढ़िया वीडियो क्वालिटी है। बाहर चल के सब कुछ दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलो चलते वाले बटन को ऑन करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमारे नीचे जैसे नीचे घासों की फोटो आ रही है। ठीक है, फ्लाई द ड्रोन। भाई कितना अच्छा हवा आ रहा है इससे। Flip